हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। ए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। मैंने पहला पार्ट ऑलरेडी बना दिया है, अब ये इसमें मैं बनाऊंगा पार्ट टू, स्टेप टू। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। जो एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है एक ही चीज़ पे चलता है, वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। यस, सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे चूज करोगे, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही डिटेल में है और बहुत ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है टाइम। अब जो करना चाहो वो कर सकते हो, देखो आपको उसको टाइम देना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो उसको क्या देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। आपको भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में बहुत धीरज से काम करना है। आपको सबसे पहले तो जो है मार्केट का ट्रेंड देखना है। डिमांडिंग प्रोडक्ट आप चूज कर सकते हो, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है वो आपको ट्रेंड देख के पता चलेगा, क्योंकि ट्रेंड हमेशा बदलता रहता है। तो अभी क्या डिमांड में है, लोगों का क्या बिहेवियर है, क्या पैटर्न है, क्या बाइंग पैटर्न है, क्या मेंटालिटी है। देखो यहाँ पे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अलग अलग लोगों की मेंटालिटी होती है। क्या होता है, अलग अलग लोगों की मेंटालिटी होती है। तो क्या क्या, जैसे कि महंगी चीज़ें भी बिकती है, सस्ती चीज़ें भी बिकती है, तो सारी चीज़ें बिकती है। तो प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करोगे, तो डिमांड ऑन डिमांड प्रोडक्ट आपको जो है चूज करना है। उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, मार्केट का एनालिसिस करना पड़ेगा, कौन सी कंट्री में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंटरनेशनल बिजनेस है, तो सामने वाली कंट्री में क्या डिमांड है उसके हिसाब से हमको करना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या करना है आपको। तो आपको जो है पहले तो 10-12 प्रोडक्ट लिख लेनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फिर उसमें देखना है। देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत सारे फैक्टर जो है मैटर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंस, कितना फाइनेंस लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। कई प्रोडक्ट ऐसी है जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट में होती है और कई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। अगर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेसमैन हो तो आप इन्वेस्टमेंट वाली प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप ऐसी प्रोडक्ट चूज करो जिसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। तो ये जो चीज़ें आपको आपको ही पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, तभी जाके ये काम होगा और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। मेरे पास जो लोग ट्रेनिंग में आते हैं और मुझे पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं मैं, तब मैं मेरे अनुभव से जो विदेश में मैं घूमता हूं तो देखता हूं, एनालिसिस करता हूं कि यहां पे क्या डिमांड है, कौन सी प्रोडक्ट की डिमांड है और क्यों ले रहे हैं और फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट लेंगे और वाई दे आर बाइंग। कॉस्टली प्रोडक्ट है तो भी वो बाय करेंगे, तो पूरा डिटेल में मैं उसको बताता हूँ। तो आप जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो तो आप इसमें देखो इनोवेटिव प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। आपको रिसर्च करके इनोवेटिव प्रोडक्ट, जो नई प्रोडक्ट या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें भी इनोवेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो आपके पास आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप समथिंग डिफरेंट भी कर सकते हो या प्रोडक्ट में कुछ डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो। तो ये जो है मेन आपको दिमाग लगाना है, क्या है आपको दिमाग लगा के पूरा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। तो स्टेप टू ये है कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद ये बिजनेस में आगे आप बढ़ सकते हो। और उसमें ये भी देख सकते हो कि गवर्नमेंट के कितने कितने बेनिफिट्स है, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट का क्या जो है प्रोडक्ट रिलेटेड क्या है। जैसे कि अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है बराबर, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अभी सपोर्ट कर रही है। गारमेंट सेक्टर है तो गारमेंट सेक्टर को भी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो ऑटोमोबाइल को भी आप गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। तो अलग अलग जो है सेक्टर के हिसाब से आपको पूरा जो थिंक करना पड़ेगा। फूड प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, बहुत सारी प्रोडक्ट है यहाँ पे, मशीनरीज प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। और मोर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मैं पूरा बताऊंगा स्टेप थ्री के एक्सपोर्ट कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।